नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको स्टेमिना से संबंधित सभी 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, कौन सा व्यायाम करने से स्टेमिना बढ़ता है? आपका प्रश्न दो है, कौन सी सब्जियां खाने से स्टेमिना बढ़ता है? आपका प्रश्न तीन है, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए नींद कैसे काम आती है? आपका प्रश्न चार है, स्टेमिना बढ़ाते समय क्या सावधानियां बरतें? आपका प्रश्न पाँच है, धूम्रपान स्टेमिना का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? आपका प्रश्न छः है, पानी स्टेमिना बढ़ाने में कैसे मदद करता है? आपका प्रश्न सात है, बादाम खाने से स्टेमिना तेजी से क्यों बढ़ता है? आपका प्रश्न आठ है, स्टेमिना क्या है और कैसे बढ़ा सकते हैं? आपका प्रश्न नौ है, क्या खट्टे फल खाने से स्टेमिना बढ़ता है या नहीं? आपका प्रश्न दस है, क्या केले खाने से स्टेमिना बढ़ता है? आपका प्रश्न एक है, कौन सा व्यायाम करने से स्टेमिना बढ़ता है? आपका उत्तर है, व्यायाम करना स्टेमिना बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आप चाहे तो ट्रेडमिल पर वॉक कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या एरोबिक्स जैसे व्यायाम कर सकते हैं। इससे आपके हार्ट की तंदुरुस्ती बनी रहती है। आपका प्रश्न दो है, कौन सी सब्जियां खाने से स्टेमिना बढ़ता है? आपका उत्तर है, हरी पत्तेदार सब्जियां आपके शरीर में लौह तत्व की कमी को पूरा करती है। खास तौर से स्टेमिना बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा यह आपके शरीर में विटामिन ए, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति भी कर सकती है। इसके साथ ही आपके आहार में शामिल साबुत अनाज आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा प्रोटीन मांसपेशियों में होने वाली क्षति को दूर करने का काम करता है। प्रोटीन के लिए आप अपने नाश्ते में अंडे, ताजे फल, कम वसा वाला दूध व गेहूं से बनी रोटियों का सेवन कर सकते हैं। आपका प्रश्न तीन है, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए नींद कैसे काम आती है? आपका उत्तर, विशेषज्ञों द्वारा स्टेमिना को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की सलाह दी जाती है। आपके लिए आवश्यक नींद का समय आपकी आयु पर निर्भर करता है। वैसे सामान्य व्यक्ति को 7 से 8 घंटों की नींद लेनी चाहिए। बताया जाता है कि 6 से कम घंटों की नींद लेने से शरीर की ऊर्जा में कमी आती है और आप कोई भी कार्य सही तरह से नहीं कर पाते हैं। मानसिक स्टेमिना को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क को आराम देना बेहद जरूरी होता है और यह पर्याप्त नींद लेने से ही किया जा सकता है। आपका प्रश्न चार है, स्टेमिना बढ़ाते समय क्या सावधानियां बरतें? आपका उत्तर है, किसी व्यायाम को करने से ठीक पहले खाना न खाएं। अधिक पानी पीकर दौड़ना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। हृदय गति पर अधिक दबाव पड़ने पर थोड़ा बैठ जाएं या आराम करें। दौड़ते समय एक बार में ही लंबी दूरी तय न करें। धूम्रपान व शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन न करें। फास्ट फूड व तैलीय चीज़ों के सेवन से दूरी बनाएं। आपका प्रश्न पाँच है, धूम्रपान स्टेमिना का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? आपका उत्तर है, दरअसल हम आपको बता दें कि अनुसंधान से पता चलता है कि आपके स्टेमिना को धूम्रपान प्रभावित करता है। यह आपकी सहन शक्ति और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकता है और तीव्र शारीरिक गतिविधि करते समय आपको सांस की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने स्टेमिना को बनाए रखना चाहते हैं तो धूम्रपान छोड़ दें। आपका प्रश्न छह है, पानी स्टेमिना बढ़ाने में कैसे मदद करता है? आपका उत्तर है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर को कई लाभ होते हैं। इससे न सिर्फ वजन कम होता है बल्कि गुर्दे या किडनी में पथरी होने से भी बचा जा सकता है। पानी पीने से मांसपेशियों की थकान को दूर किए जाने में सहायता मिलती है। व्यायाम के दौरान शरीर से लगातार पसीना निकलता है, ऐसे में शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए आपको बीच बीच में आराम लेते हुए पानी पीते रहना चाहिए।
आपका प्रश्न सात है, बादाम खाने से स्टेमिना तेजी से क्यों बढ़ता है? आपका उत्तर है, दरअसल बादाम विटामिन ई, आहार फाइबर, ओमेगा थ्री फैटी एसिड और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो स्टेमिना बढ़ाने में फायदेमंद हो सकते हैं। बादाम में मैग्नीज और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करने और रक्त शर्करा को कंट्रोल करने में भी मददगार हो सकते हैं। आपका प्रश्न आठ है, स्टेमिना क्या है और कैसे बढ़ा सकते हैं? आपका उत्तर है, अगर स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। स्टेमिना का मतलब शारीरिक मजबूती से है, जो आपको कामों को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है और आपको थोड़े थोड़े समय में थकान या सांस भरने की समस्या नहीं होती है। अगर आपके शरीर में स्टेमिना नहीं हो तो आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, जैसे कि कोई खेल कूद करते वक्त आपकी सांसें जल्दी चढ़ जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपकी स्टेमिना कम हो तो आप अक्सर थकान महसूस करते हैं। ये हमारे कमजोर स्टेमिना के लक्षण हो सकते हैं। आप भले ही इन चीज़ों पर ध्यान न दें, लेकिन ये कमजोर स्टेमिना की तरह इशारा करते हैं। आपका प्रश्न नौ है, क्या खट्टे फल खाने से स्टेमिना बढ़ता है या नहीं? आपका उत्तर है, खट्टे फलों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, लेकिन इन फलों में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसमें शर्करा, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम, थायामीन, नियासिन, विटामिन बी सिक्स और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मौजूद होते हैं। ऐसे में आप संतरा, नींबू, आंवला का सेवन करें। आपका प्रश्न 10 है, क्या केले खाने से स्टेमिना बढ़ता है? आपका उत्तर, केले में अच्छी मात्रा में फाइबर और नेचुरल शुगर होते हैं। इसके खाने से आपको एनर्जी मिलती है, जो आपका स्टेमिना बढ़ाती है। केले में थायमीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन और फोलिक एसिड के रूप में विटामिन ए और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे में आप इसका सेवन जरूर करें। आपका प्रश्न 11 है, स्टेमिना के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं? आपका उत्तर है, प्रोटीन। स्टेमिना बढ़ाने के तरीके में सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि शरीर को पर्याप्त पोषण देना भी शामिल है। दरअसल पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर को भरपूर ऊर्जा देने के साथ ही स्टेमिना बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। ब्रोकली, पालक, मशरूम, फूलगोभी, केले, जलकुंभी, मटर, ओट्स, बीन्स, कद्दू के बीज, बादाम, चावल, सूरजमुखी के बीज, बीट ब्रेड, तिल के बीज, मूंगफली, काजू आदि। कैल्शियम, दूध, केल, टोफू, तिल के बीज, चिया के बीज, किडनी बीन्स और बादाम। आयरन, पालक, शतावरी, स्विस, चार्ड, ब्रोकली, टोफू, दाल, कद्दू के बीज, तिल के बीज और सोयाबीन। इन सब के अलावा स्टेमिना बढ़ाने के लिए ताजी फल, सब्जियां, ब्राउन राइस, वसा रहित या कम वसा वाला दूध व पनीर का सेवन भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।